कक्षा 11 की छात्रा हूँ। आप संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। संस्कृत विषय में 8 साल की छात्रा हूँ। संस्कृत विषय में पुस्तक लेना है आपको, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो पुस्तक है 2020 और 2021 की सत्र की लेनी है, और वह प्रकाशन जो है वो राजीव प्रकाशन है, जो कि इलाहाबाद से निकली हुई है। इसी एक बुक में ही, इसी एक किताब में ही सारा कोर्स है। कोर्स बहुत ही सीमित कर दिया गया है, और इस बार 30% इसमें से कम भी हुआ है, तो कोर्स बहुत अधिक नहीं है। एक ही बुक लेना है, एक ही बुक में आपका पाठ्यक्रम रहेगा चंद्रार्ध तथा पूर्वार्ध भाग, और वर्ष माह काव्यांग द्वितीय सर्ग उसी में रहेगा, और उसी में अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंग रहेगा, प्लस उसके बाद व्याकरण, जिसमें कि पत्र लेखन, अलंकार और व्याकरण। व्याकरण इसलिए केवल व्याकरण लिखा गया है कि व्याकरण में बहुत सी चीजें हैं, संधि है, समास है, प्रत्यय है, अलंकार है, और बहुत सी चीजें हैं जो कि आपके जितना कोर्स में है वो बुक में दिया गया है, वही आपको पढ़ना है। इसलिए संस्कृत विषय को लेने वाली छात्राएं ये ध्यान दें कि संस्कृत बहुत कठिन विषय नहीं है, जिसके कारण देखते हैं कि बहुत लोग संस्कृत विषय को लेना नहीं चाहते। संस्कृत विषय में नंबर अच्छा आता है, मैथ की तरह नंबर आता है, और बहुत ही सरल कर दिया गया है। पहले तो कई किताबें पढ़नी होती थी, लेकिन अब संक्षेप में कर दिया गया है। इसमें चंद्रार्ध कथा में केवल पूर्वार्ध भाग पढ़ना है, और उत्तरार्ध जो है वो इंद्र में है। फिर अवकाश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग है, जिसमें कुछ श्लोक है, कुछ श्लोक लयंत में है और कुछ श्लोक प्रारंभ में है। उसी तरह अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंग को भी आधा आधा कर दिया गया है, आधा लयंत में है और आधा प्रारंभ में है। तो पत्र लेखन, अलंकार और व्याकरण, बस इतना ही आपको उसमें पढ़ना है। इसके पश्चात हम कल आपको वीडियो व्याकरण संबंधी और आगे पुस्तक संबंधी जो भी पढ़ाएंगे कल पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप जिसको भी संस्कृत विषय लेना है वो किताब खरीद लें और आगे का कोर्स पढ़ें, पढ़ाया जाएगा, वीडियो देखें और उसको पढ़ें। धन्यवाद।